स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ IGSS डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके सामने रैखिक असमिकाओं के बारे में बेसिक ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या होती हैं रैखिक असमिकाएँ। जैसे देखिए, अगर हमारे सामने ये चार निशान आ जाएं, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 और लेस देन इक्वल टू और 3, चार उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं। इसका मतलब है से बड़ा, इसका मतलब है से बड़ा या बराबर, इसका मतलब है से छोटा और इसका मतलब है से छोटा या बराबर। तो अगर ये चार निशान आपको कहीं पर नजर आ जाते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं? असमिका। अब रैखिक क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो घात रहेगी वेरिएबल की वो वन रहेगी, तो वो आपका रैखिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5 ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया आपके सामने 6 लिख दिया। तो आप देखिए, यहाँ पर जो चर है हमारा, वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या है, ये लीनियर इनइक्वालिटी मानी जाएगी, रैखिक असमिका मानी जाएगी। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, तो ये किसका निर्माण करेगी? ये द्विघाती असमिका है। आप कहेंगे क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, चूंकि अभी हमें रैखिक के बारे में ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो रैखिक में आप ये ध्यान दें कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और साथ साथ ये चार निशान है, से बड़ा या बराबर, से छोटा या बराबर। तो इन मानों को अगर हम ऐसे, अगर निशान आपको कहीं दिख जाते हैं तो ये किसका निर्माण करेंगे? असमिकाओं का निर्माण करेंगे। अब हम एक एक को समझते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। देखिए, चित्र से समझेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम समझेंगे। असमिकाओं के रूप में आप समझना है, देखिए उदाहरण है x ग्रेटर देन 3, और यहां मैं लिख लेता हूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि सर ये तो पूर्ण संख्या है, 3 जो है कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं, प्राकृत भी बोल सकते हैं, सब में ही आता है। तो कोई और नंबर मान लो 7/2 ले लो, 7/2 ले लो, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ सर पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो हम थोड़ा प्लॉट करने में सावधानी बरतेंगे। ऐसे ही देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 है, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, समझे आप, 7/2 का लगभग मतलब आपको पता है, भाग लगाएंगे 3.5 आ जाएगा। संख्या रेखा पर जमाएं, ये संख्या रेखा, यहाँ है मेरा 0, 1, 2, ये 3, और 3 और 4 के ठीक बीच में यहां पर होगा 7/2 होगा। ठीक है, 3.5 का जो मान होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। अब आप देखिए क्या कह रहा है, 7/2 से अधिक मान, मतलब इसको शामिल नहीं करना। ये बात मैं कल भी बता चुका हूं कि अगर यहां बराबर आता है तो इसका मतलब है इस मान को शामिल करना है। बात पूरी कल मैंने आपके सामने पूरी क्लासेस के ऊपर समझाई थी कि इसका मतलब है कि इस मान को लेते हुए, इसको शामिल करते हुए इससे अधिक मान, और इसका मतलब है कि 3.5 यानी 7/2 को हम शामिल नहीं करेंगे, केवल इससे अधिक मानों को हम लेंगे। तो जिसको हमें शामिल नहीं करना है, उसके ऊपर कल हमने सिखाया था आपको, इस तरह से ओपन सर्कल बनाते हैं और इस लाइन को हम इस प्रकार डार्क कर लेंगे। ये माइनस का अनंत है, ये प्लस का अनंत है। आप आंसर लिखना सीखिए, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, 7/2 से, और कहाँ तक गए हैं, अनंत तक, और दोनों पर कौन सा कोष्टक आ जाएगा, छोटा कोष्टक। क्यों? क्योंकि ना तो हमने 7/2 को शामिल किया है और ना ही हमने अनंत को शामिल किया। आज हमें यही सीखना है। देखो, कल मैंने संख्याओं के रूप में आपको बता दिया था कि 3.5 उत्तर में नहीं आएगा, 3.5 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे 3.5 एक से हमने स्टार्ट कर लिया, एग्जैक्ट 3.5 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने इसलिए आपको उन बातों को हमने कल बताया था। आज हम आपसे कह रहे हैं अंतराल के रूप में आपको उत्तर देना है, तो 7/2 से इन्फाइनाइट तक, 7/2 पर छोटा कोष्टक, अनंत पर भी आपका छोटा कोष्टक। और देखिए एक और उदाहरण देखिए, अब की बार हमसे कह रहा है कि 7/2 को शामिल करना है। तो देखो, ये हमारी नंबर लाइन, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, यहाँ है आपका 0, 1, 2, 3 और ये 4, 3 और 4 के ठीक बीच में आएगा
सेवन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या कह रहा है, सेवन बाई टू को शामिल करना है। तो देखो अगर सेवन बाई टू को शामिल करना है तो इस तरह से हम डार्क सर्कल बनाएंगे और इससे बड़े मान कहाँ मिलते हैं, हमेशा दाईं तरफ मिलते हैं। याद रखा करें आप कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या से जो बड़े मान हैं वो हमेशा दाईं तरफ मिलते हैं और छोटे मान हमेशा बाईं तरफ मिलते हैं। अब इसका आंसर लिखना सीखें, x बिलोंग्स टू 7/2 से लेकर अनंत तक, 7/2 पर बड़ा कोष्टक और अनंत पर छोटा कोष्टक। क्यों, दोनों में अंतर देख लें, यहाँ पर 7/2 को शामिल नहीं किया जा रहा जबकि यहाँ पर 7/2 को शामिल किया जा रहा है। तो ये आपका ओवरऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसका मतलब आपको मैंने बता दिया था से बड़ा, और इसका मतलब था से बड़ा या बराबर। ठीक है, अब मैं इसी उदाहरण को आपके सामने दोबारा हल करा रहा हूं लेकिन निशान बदलकर। अब की बार मैं आपके सामने जो निशान लूंगा वो लूंगा लेस देन और इक्वल टू, यानी से छोटा या बराबर। तो आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि 7/2 से बड़ा जो मान है उसको कैसे हम हल करते हैं, और 7/2 या इससे बड़ा है मतलब अगर इक्वल टू का निशान आ गया तो आपको फिर यहाँ पर बड़े कोष्टक का निर्माण करना पड़ेगा, जिसको कल भी मैंने सिखाया था कि जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल टाइप में होता है, वैसे तो इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोलेंगे क्योंकि एक तरफ बड़ा कोष्टक है और एक तरफ छोटा कोष्टक है। एक बात और, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 से इन्फानाइट तक, ये भी सही है। ठीक है, दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम आपके सामने इसी उदाहरण को दो अलग अलग जो हमारी इनइक्विटीज शेष रह गई हैं, एक तो लेस देन से छोटा और एक लेस देन और इक्वल टू से छोटा या बराबर, उसके लिए हल करके बताएंगे। देखिए उदाहरण हम यही रखेंगे 7/2 वाले। वैसे चैप्टर आपका 11th क्लास में आता है लेकिन कंबाइंड अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फिर सभी बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर मैंने बता दिया आपको, लीनियर क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 रहती है, इसलिए लीनियर कहते हैं। अब देखिए इसमें आप बाकी के दो और समझने का प्रयास करें। अगला है मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल, x लेस देन 7/2। मान लीजिए अब ये उदाहरण आ गया, मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं कि 7/2 से जो छोटे मान हैं वो मुझे लेने। ठीक है, तो देखिए ये मेरी संख्या रेखा हो गई, माइनस अनंत से प्लस अनंत हो गया, ये 0, 1, 2, 3 और 4, और इनके ठीक बीच में क्या आएगा, 7/2 आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है समझना, पहले इस चिन्ह का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है से छोटा, लेकिन बराबर का निशान नहीं है, इसका मतलब हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो हम केवल इसके ऊपर कौन सा सर्कल बनाएंगे, इस तरह से ओपन सर्कल। छोटे मान कहाँ मिलते हैं भाई, बाईं ओर मिलते हैं, हमेशा ध्यान रखें छोटे मान हमेशा बाईं ओर मिलते हैं, इस तरह से। तो इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, मैंने आपको तरीका क्या सिखाया, हमेशा बाईं से दाईं ओर चलना है। तो देखिए x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 7/2, और दोनों पर कौन सा कोष्टक आएगा, छोटा कोष्टक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7/2 से लेसर वैल्यू, सारी छोटे मान कहाँ मिलेंगे, बाईं ओर आपको मिलेंगे। ऐसे एक और देखिए, अगर मान लीजिए यही उदाहरण हमसे कह देता कि x लेस देन इक्वल टू 7/2, अब इसका क्या मतलब होता समझें आप, पहले चिन्ह का मतलब समझें, इसका मतलब होता है से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। अब हम चित्र बनाते हैं, पहले समझे 7/2 तो वहीं पर आएगा जहां मैंने पहले भी आपको बताया था, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा 7/2, 3.5। यहाँ है माइनस का अनंत, यहाँ है प्लस का अनंत। ठीक है, अब आप देखो अब की बार बराबर का निशान लग रहा है, इसका मतलब 7/2 को हमें शामिल करना है, ये मैंने शामिल कर लिया। इस तरह से आप डार्क सर्कल बना लें 7/2 पर, जिसको शामिल करते हैं, और छोटे मान हमेशा कहाँ मिलते हैं भैया, बाईं ओर मिलते हैं। तो आप देखिए x बिलोंग्स टू, सही उत्तर क्या होगा, माइनस अनंत से 7/2,
इस पर छोटा कोष्टक, इस पर बड़ा कोष्टक। मैंने आपको बार बार कहा है कि अनंत पर हमेशा छोटा कोष्टक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 7/2 को, 7/2 को हम शामिल कर रहे हैं, इसलिए बड़े कोष्टक आपको बनाना है। वैसे तो ये इंटरवेल सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवेल कहलाता है, लेकिन आप बस इतना सा ध्यान दें कि जिस पर छोटा कोष्टक आ गया उस मान को शामिल नहीं करना है, और जिस पर बड़ा कोष्टक आ गया उस मान को शामिल करना है। अनंत पर हमेशा कौन सा कोष्टक बनाना है? छोटा कोष्टक। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उदाहरण मैंने आपको बताएं, इनको आप देखें। अब मैंने आपके सामने उदाहरण अभी प्लस का लिया था, अब एक उदाहरण हम माइनस का भी समझ लेते हैं। सेम उदाहरण माइनस का भी देख लीजिए। एक बात और, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उससे आपको नहीं घबराना। लास्ट में बस बिलोंग्स टू में उस वेरिएबल का नाम आप लिख देंगे। अब देखिए, एक उदाहरण मैं आपको माइनस का और दिखा देता हूं, जिससे आपके जो डाउट हैं और दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, और एक बार कहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, सुनिए आप, सबसे पहले हम माइनस थ्री प्लॉट करते हैं। देखिए ये मेरी संख्या रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यह है जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। माइनस थ्री को हमें शामिल नहीं करना, क्योंकि बराबर का निशान नहीं लग रहा है। इससे हमें बड़े मान चाहिए। आपको पता अब की बार बड़े मान कहाँ मिलेंगे? दाईं ओर मिलेंगे। ठीक है, ग्रेटर का ही बता रहा हूँ पहले मैं, फिर लेस का भी बताऊँगा। पहले ग्रेटर का समझ लें आप। उत्तर लिखना सीखिए। एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से लेकर अनंत तक, और दोनों पर कौन से कोष्टक आ जाएंगे? छोटे कोष्टक, क्योंकि माइनस तीन से बड़े मान आपको चाहिए। बड़े मान हमेशा कहाँ मिलते हैं? दाहिनी तरफ आपको मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए इसी का। ये मेरी संख्या रेखा है, यहाँ है जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, यहाँ है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब हमसे क्या कह रहा है कि माइनस तीन के मान को शामिल करना है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको शामिल करते हैं उस पर डार्क सर्कल बनाते हैं, और बड़े मान हमेशा कहाँ मिलते हैं? दाहिनी तरफ। तो ये हमारे बड़े मान हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये माइनस का थ्री है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस के तीन से लेकर प्लस के अनंत तक, माइनस तीन पर बड़ा कोष्टक, अनंत पर छोटा कोष्टक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर महसूस कर सकते हैं। इस वाले उदाहरण में माइनस के तीन को शामिल नहीं किया गया, और इस वाले उदाहरण में माइनस के तीन को शामिल किया गया। निशान के बारे में आपको पता ही है, ये कहलाता है से अधिक या से बड़ा, और ये कहलाता है से बड़ा या बराबर। से अधिक या बराबर कुछ भी आप कह लें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम इसी उदाहरण को आपको लेस देन के लिए और समझा देते हैं कि उस अवस्था में उत्तर क्या आएगा, उसको भी आप समझें, ताकि हमारे दोनों उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, कि कैसे हम इनको नोट करते हैं। दोबारा आप एक बार सुन लीजिए कि जैसे माइनस तीन ग्रेटर देन है, तो माइनस तीन से अनंत, लेकिन कोष्टक कौन सा आएगा? छोटा कोष्टक। ठीक है, और माइनस तीन या इससे ज़्यादा हम ले रहे हैं और इसको शामिल कर रहे हैं, तो कौन सा कोष्टक आ जाएगा? बड़ा कोष्टक आपका आ जाएगा। एक दो छोटे